कितने लोगों को शांस है कि वो जिंदा खुदा हमारे बीच है और आज भी हमारी शुद्धि लेगा करते हुए शांस, क्योंकि वो सच्चा खुदा, उसने हमसे सच्चा प्रेम किया, झूठा नहीं किया। इंसान स्वार्थी प्रेम करता मगर परमेश्वर स्वार्थी प्रेम, क्योंकि संसार का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में क्या है, डिफरेंट है, फर्क है, क्या है बोलो। क्योंकि दुनिया का प्रेम सिमक प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम उसे बोलते अगापे प्रेम, जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसने वो किया है। बोलो क्या है, उसने वो प्रेम हमसे किया है। और वो प्रेम मैं जानता हूं कि जिस प्रेम को आपने उस वचन को पूरा किया है, मैं आते ही ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस कर चुका है, क्योंकि आपने वचन को पूरा किया है। और जितने इस मीटिंग ऑनलाइन आज देख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा, आमेन, क्योंकि वो शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। बोलो क्या है, इसी लिखा धर्मी पर, बोलो क्या है, धर्मी पर उसकी आंखें लगी रहती, क्योंकि हम अब पापी नहीं, हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए, इसलिए अपने वचन को पूरा किया है। बोलो क्या है, क्या किया आपने, वचन को पूरा किया। तो इसलिए जो लोग वचन को पूरा करते हैं परमेश्वर उनकी शुद्धि लेता है, क्योंकि वो भूलने वाला परमेश्वर। इसलिए जब मैं आ रहा था तो बेटी बोल रही थी ना, कुछ आपको बता रही थी, जो मैं कल वचन मैंने बताया, बुद्धिमान और निर्बुद्धि। बोलो क्या है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग संकरा है। बोलो क्या है, मार्ग संकरा है। बोलो क्या है, इसे सब पार नहीं कर सकते। जब इसराइलियों को परमेश्वर ने कनान देश की आशीष देनी थी, बोलो क्या देनी थी, कनान देश की आशीष, तो उनके सामने कुछ परिस्थितियां थी, मुश्किल थी, जिन्हें उन्होंने उन परिस्थितियों को, उन मुश्किलों को पार करना था। रास्ते में एक जरीहो की दीवार आ गई, जर्दन नदी आ गई, क्या आ गई, यर्दन नदी आ गई। अब सोचें इतनी बड़ी नदी कैसे पार करें, पर खुदा ने वचन दिया, उन्होंने उस वचन की पालना की, और क्या हो गया, उस नदी का सारा पानी क्या हो गया, सूख गया। हाँ, एक जगह क्या हो गया, लिखा जाजकों को पैर उस नदी में पड़ते ही, लिखा वो जल जो बह रहा था वो रुक गया और पीछे को बहने लगा। किसकी सामर्थ से, किसके वचन से। हाँ, आगे जरीहो दीवार आ गई, क्या आ गई। आज भी आपके जीवन की जितनी भी दीवारें शैतान ने खड़ी है, खड़ी की है ना, खड़ी की, जब वचन को पूरा करते हो तो वो दीवारें क्या होती है, ठह जाती है। उन्होंने वचन को पूरा किया था। हाँ, उसने कहा छह दिन क्या करो, तुम इस दीवार के चक्कर लगाओ, और सातवें दिन क्या करना, कितने चक्कर लगाना, बोलो कितने चक्कर लगाना, सात। पहले एक नहीं, हो सकता एक चक्कर मुश्किल से लग रहा है, पता नहीं कल लोग कितनी मुश्किल से आए, क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, कल कितनी मुश्किल से, हो सकता कुछ बड़े इमरजेंसी काम हो जिन्हें छोड़कर आए, क्योंकि कल क्या था, प्रभु का जन्म दिहाड़ा, पर हमारे लिए आज भी है। तारीफ करो सबसे पहले उस परमेश्वर की, जिसने इस पृथ्वी में पैदा होकर हमें पूर्ण छुटकारा दे दिया है, पर वो पूर्ण छुटकारा तब मिलेगा जब हम वचन को पूरा करेंगे। क्या करेंगे, उसने दे दिया है, पर जितने लोग वचन को पूरा करेंगे, हमारे लिए उसका रोज जन्मदिन है, क्योंकि वो इसीलिए पैदा हुआ। बोलो क्या है, इसीलिए वो पैदा हुआ था। और आज भी जितनी कल खुशी आज भी हमें उतनी है, ऐसे नहीं है कि कल ज्यादा थी और आज खुशी कम होगी, ऐसे नहीं है। बोलो क्या है, ऐसे नहीं कि कल खुशी ज्यादा थी और आज क्या है, कम है, आज भी हमें उतनी खुशी, मैं तो उतना ही खुश हूं और मैं खुश ही रहता हूं, मुझे नहीं आपका नहीं मुझे पता। हाँ, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मुझे जितनी खुशी कल है उतनी आज है, मेरे मन में उतनी उतना ही है सब कुछ, कम कुछ नहीं हमें। बोलो क्या, मेरे 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 अंदर कोई कम नहीं है, उतना ही प्रेम है जो खुदा ने मुझसे किया है और आपसे किया है, हमें।
किया है कि नहीं किया? इसलिए आज भी किया है, आज भी किया है, इसलिए आओ, क्योंकि हम इसलिए चुने गए, इसलिए बुलाए गए। इसलिए कैंपली में हमने सुना कि उसने कहा तूने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। और फल आपके जीवन से कैसे पता चलेगा कि आप खुदा के लोग हो? हाँ, कैसे पता चलेगा? आपके जीवन से वो प्रकट होगा। बोलो क्या है जी बेटी? इसका नाम लक्की है, मोगे से आई है। बोलो क्या है? ये दोनों बहनें थी ना, पिछले दिनों इसकी सिस्टर की हमने टेस्टामनी दी थी, जिसकी शादी इंग्लैंड में होगी। हाँ, इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में। इसकी जो सिस्टर है वो बड़ी है ना। हाँ, माइक लो। तो उसकी शादी, क्योंकि ये दोनों बेटियां किसकी सेवा करती हैं? यहोवा की। और अपने नगर में देखो कितनी दूर है, क्या वहां पे चर्चे नहीं है? मोगा में चर्चे नहीं है? इन्होंने जो मिनिस्ट्री की प्रीचिंग है, बोलो क्या है, जिससे लोगों के मन अच्छे होते हैं, इन्होंने उस बात को समझा और सीखा है। अब कितने साल से प्रभु में हो? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इस मिनिस्ट्री से आपको जुड़े? 1 साल। 1 साल हुआ सिर्फ। और 1 साल में इतना प्रेम खुदा का इनके जीवन में, इतनी शांति है। क्यों जी? जी हाँ। तो ये दोनों बहनें, इसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बोलो क्या है? और ऐसे नहीं है जैसे संसार में लड़कियां लड़की होती हैं, अगर थोड़ी सी उम्र क्या होगी तो मन में पता नहीं कैसे कैसे गंदे विचार आते हैं। ऐसा कुछ आते हैं कि नहीं आते? जब लड़के लड़कियां जवान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं उनके मन में? अजीब तरह के ख्याल आते हैं। क्या आते हैं? आते हैं ना अजीब तरह के ख्याल, पर ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने परमेश्वर को समझा है और जाना है। बोलो क्या है? इसलिए खुदा उन लोगों की शुद्धि लेता है जो अपना मन क्या रखते हैं, क्या रखते हैं। इसीलिए कहा शुद्ध मन वाले किसे देखेंगे? किसको देखेंगे? इन्होंने देखा है। अब इसकी सिस्टर ने देखा है कि अगर वचन को पूरा किया तो आज उसकी शादी देखो इंग्लैंड में हुई, और इतना अच्छी फैमिली, इतना अच्छा परिवार है। और ये दोनों बहनें सुसमाचार की सेवा लोगों को बताती हैं। आज भी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने सुसमाचार दिया, जब भी मौका मिलता है बताते रहते हैं। क्यों जी? यस पापा। देखो, और जितने लोग खुदा की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, देखो हमारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर जानता है, इसलिए उसने आपको क्यों बुलाया, ताकि सबसे पहले आपको उससे नजात दे, फिर आपके द्वारा इस दुनिया में वो अपना प्रेम प्रकट करे। क्या करे? अपना प्रेम क्या करे? इस दुनिया में प्रकट करे। आमेन। आमेन। आप इसलिए बुलाए गए हो। प्रॉब्लम आपकी बुलाहट नहीं है। हाँ, क्यों जी? प्रॉब्लम आपकी बुलाहट नहीं है? अरे है। अगर प्रॉब्लम ना होती तो आप कहां आते? बोलो क्या? आते आप? अगर आपके आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता तो आप आते? कभी भी ना आते। प्रॉब्लम आपकी एक बुलाहट बन गई, और आज आपको पता चला है सच्चा परमेश्वर कौन है, उसने मुझे क्यों चुना है। बोलो, मेरे जीवन में दुख बीमारियां क्यों है? अब मुझे समझ आ गई है कि मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, और उसके लिए मैंने विश्वास करना, और मेरे लिए नहीं है। अब मैंने दूसरों को भी बताना है, भाई क्यों दुख में जी रहा है, क्यों प्रॉब्लम में जी रहा है, सच्चा खुदा वो है। मैंने दूसरों को भी क्या करना है? अब सत्य बताना है। मैंने दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, मैंने मांगना है। आप ऐसा करोगे ना, देखना खुदावंद आपको कितना आगे लेकर जाएगा, कितना आपको ब्लेस करेगा। कुछ लोगों की आदत है वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जबकि बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियों 5:14 में लिखा, आगे को अपने लिए नहीं किसके लिए जियो, जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा। समझ आ रही है? अब दूसरों के लिए भी हमने जीना, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। ये नहीं कहता मैं
अपने लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना करो, यस परमेश्वर मेरे लिए तो अब कर चुके, बोलो क्या, अब जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है, बोलो क्या, जिस काम के लिए मैंने तूने मुझे बुलाया है, निश्चय परमेश्वर मेरे जीवन से भी तू अपना प्रेम प्रकट कर चुका है, आमेन। क्योंकि लोगों उन लोगों की परमेश्वर ज्यादा शुद्धि लेता जो किसके लिए जीते हैं, मैं सच्ची कहता हूं, करके देखो, जी के देखो, ऐसा मन बना के देखो। इसलिए आज भी हमारे लिए तो हर दिन उसके जन्मदिन का है, बोलो, वो पैदा ही इसलिए हुआ कि हम हर दिन उसकी खुशी मनाएं। ये खुशी एक दिन के लिए नहीं है, चलो आओ हम फिर से दो मिनट के लिए खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम चुने गए हैं अब दूसरों को सत्य ये बताने के लिए और लोग दूसरे लोगों को ये सच्चाई बताने के लिए, ताकि जो लोग अंधकार में, हाँ, जो रूहें, जो खुदा के लोग हैं जो नहीं जानते, हमको इसलिए परमेश्वर ने चुना कि हम उन्हें भी जाकर बताएं। क्या बताएं? ठीक है, तो हम दो मिनट के लिए उसी सॉन्ग जो आप खा रहे थे, मैं देख रहा था कि कुछ लोग स्प्रेड से ज्यादा भर नहीं रहे थे, कुछ भर रहे थे, और हम भरेंगे सब खुशी से, दो मिनट के लिए हम भाएंगे। नच 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 के तमला पौनिया यीशु वास्ते, आज भी हमारे लिए है। नच 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 के तमला पौनिया यीशु वास्ते, यीशु वास्ते, नच 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 के तमला पौनिया यीशु वास्ते, यीशु वास्ते, दुनिया चीजा के रूहां ने बचानिया, दुनिया चीजा के रूहां ने बचानिया, दुनिया चीजा के रूहां ने बचानिया, यीशु वास्ते। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं हर एक के जीवन से ये बात प्रकट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आप दूसरों को बचाने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये सत्य, आप दूसरों को बताने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। और ऐसा ये काम परमेश्वर आपके जीवन से वो ले चुका है, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत सारे हर एक जन के साथ लोग होंगे, क्योंकि हम जो मांगेंगे, हम जो विश्वास करेंगे, वो खुदा करेगा। क्योंकि सब मिनिस्ट्रीज खुदा की हैं, सब दास खुदा के हैं, पर हमारी चाहत है कि इस मिनिस्ट्री को, मेरी मतलब मेरी चाहत और आपकी चाहत सबकी क्या है, क्योंकि खुदा ने मुझे इस मिनिस्ट्री में और आपको दोनों को खड़ा किया है। इसलिए मेरा और आपका काम क्या है, हम सबका काम क्या है, सेम है। फर्क इतना है कि मैं यहां पे खड़े होकर बता रहा हूं और आप सुनकर संसार को बता रहे हो, आमीन। और ये होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये होगा क्योंकि मेरी चाहत है कि इस मिनिस्ट्री को और इस मिनिस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन्हें परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। और इस मिनिस्ट्री की चर्चा, जैसे लिखा है, अंताकिया की कलीसिया की चर्चा यरूशलेम तक पहुंची, और ऐसे ही इस मिनिस्ट्री की चर्चा खुदावन पृथ्वी की शोर तक प्रकट कर चुका है और लोगों को लेकर आ चुका है। आमेन, आमेन।